एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो आज मंडे है और आज मैं जाने वाली हूँ वापस से अपने उस वाले घर में। तो आज मेरी चाची का बर्थडे है, तो वो भी आने वाली है मम्मी से मिलने भी। एंड बस यही सब आज करने वाले हैं। लेट्स सी इस व्लॉग में क्या होने वाला है, बिकॉज जस्ट रैंडमली मैंने कैमरा पिक कर लिया है। तो अभी एक छोटा सा हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। मैंने उनके लिए केक वेक मंगवा लिया है। एंड जब वो आ जाएंगी कॉलेज से, वो डायरेक्टली आएंगी, मतलब मम्मी और चाची दोनों सेम कॉलेज में ही जॉब कर रहे थे। चाची अभी कंटिन्यू कर रही है, बट मम्मी ने अभी ब्रेक ले लिया है बिकॉज ऑफ ऑल दिस, जो उनको हेल्थ इश्यूज हुआ है उसकी वजह से। तो अभी हम लोगों ने केक मंगवाया मैंने उनके लिए, और बाकी जब वो आ जाएंगी तब खाने पीने का देखते हैं, कुछ छोटी सी एक पार्टी टाइप की कर लेंगे, थोड़ा फन वन कर लेंगे वैसा। और उस बाद आज दिन में हम लोगों को क्या मैट्रेस आने वाली है। कल जब मैं गई थी विक्की के साथ, पहले जाकर के मैंने मैट्रेस भी बुक कर दी थी, बिकॉज मैंने आई थिंक बताया था लास्ट व्लॉग में, मेरे मम्मी पापा को इनके जो बेडरूम में मैट्रेस लगाई है ये मुझे ब्रांड के तरफ से आई थी। सो वैसे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसका जो साइज है दैट इज 8 इंच की हाइट है, तो उठने बैठने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है अभी मम्मी को, अभी हो रही है, पहले तक तो वो चला ही रहे थे। तो वो मैट्रेस हम लोगों ने अभी स्लीपवेल के लिए, जो करंटली विक्की और हम लोग यूज़ कर रहे हैं लास्ट 4 इयर्स से, वही हमने लिया है, वही वाला मॉडल और वही सेम पीस लिया है 4 इंचेस का। एंड ये वाली जो मैट्रेस है, ये जिस ऑटो में आएगी हमारी नई मैट्रेस, उसी ऑटो में हम इसको उस वाले घर में ले जाएंगे, बिकॉज हम लोगों को एक मैट्रेस का रिक्वायरमेंट है, इसका हम कुछ DIY कर लेंगे वैसा। तो ये वहाँ चली जाएगी एंड वो नई आ जाएगी, आज वो होने वाला है। एंड तीसरा फिर मैं शाम को आज उस घर में निकल जाऊँगी एंड वापस से फिर नेक्स्ट वीक कोशिश करूंगी कि पूरा घर जो है वो फंक्शनल हो जाए एंड सब कुछ डेकोरेट हो जाए। तो यस, अभी जो फर्स्ट वीडियो है वो जल्दी ही आने वाला है आप लोगों के पास में। तो या लेट्स स्टार्ट द डे। एंड कल हम लोग तीनों के लिए हमारा जो संगीत वाला लहंगा है वो डन हो चुका है, मतलब वो हम लोग फाइनलाइज करके आ चुके हैं। एंड आज मैंने घर में भी काफ़ी सारे चेंजेस करे, जैसे कि कर्टेंस चेंज कर दिए हैं, पूरे क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग जो होती है ना, वैसे प्रॉपर डीप क्लीनिंग कर दी है, कर्टेंस चेंज कर दिए हैं, काफ़ी क्लीन हो गया है घर। मैं आती हूँ तो मैं सॉर्टेड कर देती हूँ घर को, तो मैं दिखाती हूँ। तो ये हम लोगों का सोफ़ा बिल्कुल एकदम सॉर्टेड हो गया है, ये बेड वो है, ये मम्मी रेडी होकर बैठ गई हैं। मम्मी आप कितने दिनों बाद ऐसे रेडी हुई हो एकदम प्रॉपर? बहुत टाइम बाद। अच्छा लग रहा है ना आपको ही? मम्मी को अच्छा लग रहा है, मम्मी ने लिपस्टिक लगा ली है ऐसा। और यहाँ पीछे कर्टन्स चेंज कर दिए, मतलब इन शॉर्ट थोड़ा चेंजेस वगैरह कर दिए हैं, तो अब ये अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर हम लोगों के काफ़ी सारे रियल प्लांट्स लगे हुए हैं। ये नीचे जो ये वाला है ना, ये फेक है और सिर्फ ये फेक है, बाकी सब जितने भी ऊपर है ये रियल है। एंड यहाँ पर भी ये रियल है। हैप्पी बर्थडे टू, इतनी सुंदर लग रही हो आप, सच में बहुत सुंदर लग रही हो। बर्थडे है क्या? वाह वाह, फाइनल बहुत सुंदर लग रही है। भाभी की तो सोना कॉलेज और ऐसा घर, बहुत सुंदर लग रही हो। हैप्पी बर्थडे, बहुत सुंदर साड़ी लग रही है, मुझे बहुत सुंदर, तुम खुद भी बहुत सुंदर। हैप्पी बर्थडे टू, जाती हूँ चाची को पहले। आज सबका केक ही केक खाने का, केक ही केक लेके आ रही। क्या बिरयानी? अच्छा वाह, मैंने छोले बना के आई हूँ। सारी चीज रुको, भी और है। अरे बाप रे। तो ये रही हम लोगों की बेडशीट, स्लीपवेल अल्ट्रा वाली कुछ तो भी है। नाउ दिस इज़ द मैट्रेस, ये मैट्रेस आ गई है, इस पर हमने बेडशीट भी बिछा ली है। ये वो वाली बेडशीट है जो मैंने मीशो से मंगवाई थी, काफ़ी मतलब अच्छी लग रही है इसकी क्वालिटी, क्लोथ बहुत अच्छा, एकदम प्योर कॉटन है ये। एंड ये रहे इसके साथ, इस मैट्रेस के साथ ये पिलो कवर्स भी फ्री आए हैं, तो इट्स अ गुड डील। मैं मॉडल बता देती हूँ कि कौन सा है, अगर इफ इन केस आपको लेना हो तो। ये है स्लीपवेल अल्ट्रा विथ नीम फ्रेश जर्म प्रोटेक्शन, और इट फोम है ये एंड साथ ही साथ रिवर्सेबल है। हे गाइस, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। आजकल एक बहुत स्किन केयर में टर्म चल रहा है जिसका नाम है मॉइस्चर सैंडविच टेक्निक। सो बेसिकली मॉइस्चर सैंडविच टेक्निक क्या है? मॉइस्चर सैंडविच इज बेसिकली लेयरिंग प्रोडक्ट्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर ऑन डैम स्किन, जो कि सैंडविच क्रिएट करता है बाय ट्रैपिंग द वॉटर इन टू डैम स्किन। आपको लाइटर एंड वॉटरी प्रोडक्ट्स लगाना होता है आपकी डैम स्किन पर, एज दिस विल ऑल्सो हेल्प इन डीपर प्रोडक्ट पेनिट्रेशन। इंट्रोड्यूसिंग यू ऑल HA रेंज बाय लॉरियल पैरिस। आई थिंक मैंने HA रेंज का जो ये सीरम है ये पहले भी शेयर किया है अपने वीडियो में। तो जब से ये HA रेंज लॉन्च हुआ है ये मेरे स्किन केयर का पार्ट बन चुका है। इसमें कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड जेल क्लेंजर, 1.5% हाइलुरोनिक एसिड सीरम, प्लम्पिंग हाइलुरोनिक एसिड जेल क्रीम,
एंड हाइलुरोनिक एसिड शीट मास्क। ये सारे प्रोडक्ट्स को जब से मैं सैंडविच टेक्निक के थ्रू यूज कर रही हूँ, ये और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मेरे स्किन पर दे रहे हैं। एक गुड क्लेंजर आपके स्किन के डीप तक जाकर के आपकी स्किन के जो इम्प्योरिटीज है, मेकअप रेसिड्यूज है, उनको ये क्लीन करता है। ये जो हाइलुरोनिक एसिड क्लेंजर है, ये आपके स्किन के पोर्स के डीप तक जाकर के, अंदर तक जाकर के आपके जो इम्प्योरिटीज है स्किन की, डर्ट है, मेकअप रेसिड्यूज है, उनको ये बहुत अच्छे से बाहर निकालता है। इसका जेंटल जेल टेक्नोलॉजी स्किन को ड्राई आउट नहीं करता है एंड दिस इज ऑल्सो सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। एंड अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको ये तो 100% सूट होगा ही होगा। अब आते हैं हाइलुरोनिक एसिड सीरम के ऊपर। सो दिस इज 1.5% हाइलुरोनिक एसिड सीरम, एक हाईएस्ट एंड राइट कंसेंट्रेटेड सीरम है ये। दिस इज द बेस्ट हाइलुरोनिक एसिड सीरम अवेलेबल इन द मार्केट। बहुत लाइट वेट एंड वॉटरी कंसिस्टेंट का होता है ये, बहुत अच्छे से स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है, क्विकली अब्सॉर्ब हो जाता है, आपको लगता ही नहीं कि आपने स्किन पे कुछ लगाया हुआ है। इट्स दैट लाइट वेट। दिस इज सूटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन टाइप एज वेल। रेगुलर यूज के साथ आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होगा। इसके साथ अगर आप हाइलुरोनिक हफ्ते में एक आध दिन हाइलुरोनिक एसिड सीरम शीट मास्क भी लगाएंगे तो आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो और ज्यादा अच्छा इंप्रूव होगा। उसके बाद हाइलुरोनिक एसिड प्लम्पिंग डे क्रीम के ऊपर। हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि नेचुरली आपके स्किन में प्रेजेंट रहता है और इसका खासियत यह है कि अपने वेट से 1000 टाइम्स ज्यादा वाटर को होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन काफी हाइड्रेटेड एंड प्लम्प दिखती है। बट जैसे जैसे आपकी एज बड़ी होती जाती है आफ्टर 20-25, ये नेचुरली आपकी स्किन से कम होने लगता है। तो ये जो HA क्रीम है इसके अंदर माइक्रो हाइलुरोनिक एसिड रहता है जो कि स्किन के डीपर तक जाकर के पेनिट्रेट करता है, जिससे आपको एक ग्लोइंग प्लम एंड हाइड्रेटेड स्किन मिलती है। और इसके ये एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण जो मार्केट में मिलने वाली क्रीम है उससे इसको अलग करता है। दिस इज अ नॉन स्टिकी नॉन ऑयली क्रीम। ये बहुत ही क्विकली आपके स्किन पे लगाते से ही अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है एंड आपको क्विकली रिजल्ट दिखाता है। ये हर तरह की स्किन के लिए सूटेबल है। स्किन आपको एक हाइड्रेटेड वेलवेट स्किन मिलती है। तो आपको इनको यूज कैसे करना है, आपको जो क्लेंजर सीरम एंड साथ ही साथ क्रीम है आप इसको सुबह शाम डे एंड नाइट में यूज कर सकते हैं। आपको पहले क्लेंजर यूज करना है, उसके बाद सीरम एंड उसके बाद आपको ऑन टॉप ऑफ दैट आपको ये क्रीम यूज करनी है। अब मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देती हूँ प्राइजेस कि इनके एक्चुअली में प्राइस क्या है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया रहेगा तो आप चेक जरूर करिएगा। तो अभी हम लोग निकले हैं, तो अभी टीनू और हम लोग निकले हैं वापस से अगेन सर्च कर रहे हैं लहंगा महंगा देखने के लिए, देखते हैं कैसा कुछ पसंद आता है नहीं आता है। और ये रही हमारी ब्राइड टू बी, शी इज ड्राइविंग राइट नाउ। एक्चुअली ये बहुत ही मैंने तो मतलब अभी तक मैं निशा और शिल्पा से ऐसी बात कर रही थी, डिस्कस कर रही थी, टीनू का बता रही थी, वो लोग भी पूछ रहे थे बड़े इंटरेस्ट से, जितना इंटरेस्ट इसको नहीं उससे ज्यादा तो हम लोगों को हो रहा है। तो शिल्पा वही पूछ रही थी क्या लेगी वो, क्या कर रही है, ऐसा होता है ना, जैसे वो लोग भी काफी क्लोज है मेरे तो उनके साथ सब डिस्कशन करती रहती हूँ मैं, तो मैं उन लोगों को भी बता रही थी, मैंने कहा टीनू एकदम टॉम बॉय वाली हमारी ब्राइड रहने वाली है, उसको ये शी इज अ हेटर ऑफ रेड कलर, इसको रेड कलर नहीं पहनना है अपनी शादी में, मतलब ये पहली लड़की है जो बोल रही है मुझे रेड नहीं पहनना, इसको इसकी चॉइस ऐसी है, इसको पेस्टल कलर बहुत ज्यादा पसंद है। तो कल अब हम इस डिसीजन पे आए, इसको पसंद भी आए थे दो तीन लहंगा पेस्टल कलर के, बट यार पेस्टल कलर में प्रॉब्लम क्या होती है कि या तो पूरी जो क्राउड है वो सब पेस्टल कलर्स की रहे, अदरवाइज आप रेड ब्लू पिंक देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं वैसी हो जाएगी, है ना, ये तो थीम वैसी होनी चाहिए क्लासी वाली एकदम एंड ऑल दैट। और हमारे यहाँ सब पहनेंगे एकदम चटक कलर, तो पता चल रहा बाकी सब दुल्हन लग रही है और ये नहीं लग रही, दुल्हन नहीं लग रही है। तो फिर फाइनली अब वो कन्विंस्ड है कि ठीक है थोड़े ब्राइट कलर्स वो ले लेगी, पर रेड तब भी नहीं लेगी, पिंक कलर ले लेगी वो। तो लेट्स सी, अभी हम देखने जा रहे हैं। कल हमने न्यू मार्केट पूरा कवर किया था, पूरा नहीं मतलब दो तीन शॉप्स कवर करी थी जो थोड़ी अच्छी हैं। आज हम 10 नंबर निकले हैं, अरेरा 10 नंबर, ये सारी जगह वो करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट दूंगी। I also received this vacuum cleaner Oofy by Anchor. This is a RoboVac 35C. So basically ये क्या करता है, ये एक सेल्फ चार्जिंग रोबोटिक क्लीनिंग मशीन है विच वर्क्स विथ वाईफाई एंड वॉइस कंट्रोल। ये 3x स्ट्रॉन्गर सक्शन पावर प्रोवाइड करता है
ये हार्ड फ्लोर से लेकर के मीडियम पाइल कारपेट्स जो होते हैं उनको ये अच्छे से क्लीन करता है, तो जितना भी डस्ट होता है वो इसके अंदर इसमें कलेक्ट हो जाता है इस तरह के कंटेनर में। ये देखिए यहाँ पर सारा डस्ट कलेक्ट हो जाता है। एंड उसके बाद दिस इज़ अ सेल्फ चार्जिंग मशीन, इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली नीचे, मैं टेबल के ऊपर चला रही हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि इट विल नॉट फॉल, मतलब कहीं भी ऐसी जगह भी गिरता नहीं है। ये अपने आप से सेंसर के थ्रू सेंस कर लेता है कि मुझे कहाँ पर से वापस से टर्न ले लेना है। ये 2.85 इंचेस स्लिम इसकी बॉडी है। यू कैन फोकस ऑल योर टाइम ऑन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स रादर देन वरिंग अबाउट हाउ टू क्लीन द फ्लोर्स एंड एवरीथिंग। इसका जो वेट है वो 2.69 है। ये एक ऐप के थ्रू वर्क करता है, मतलब आप देखिए अपना ऐप पे इसको सेट कर दीजिए एंड देन ये आपके घर को पूरा क्लीन करता रहेगा। सो इट्स अ गुड ऑप्शन इफ़ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ रोबोवैक वैक्यूम क्लीनर। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी आप लोगों को। ओके गाइस, आई एम मीटिंग यू लाइक आफ्टर सो मेनी डेज। बेडरूम मेकओवर मेरा हो चुका है। एक्चुअली मैंने 7-8 डेज का बिल्कुल गैप ले लिया था व्लॉगिंग से, मैं यहाँ पर जब आ चुकी थी, बिकॉज मुझे ये था कि एक बारी में सारा 7-8 डेज में ये जो पूरा घर है कंप्लीट करना है। तो जो मेरा लिविंग रूम है वो मैंने कंप्लीट कर दिया, बेडरूम तो आपने आई एम श्योर आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर। एंड थैंक यू सो मच, इतने अच्छे कॉमेंट्स आए हैं उसमें, बहुत पॉजिटिव कॉमेंट्स आए हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड बहुत अच्छे एक आध दो एडवाइसेज भी मेरे पास बहुत अच्छे आएंगे, जैसे वो जो विंडो है उसके ऊपर कर्टेन लगा दूं मैं या फिर उसमें कलर कर दूं। एंड इवन इस डोर का भी मैंने सोचा था कि मैं विनाइल शीट लगा देती, और मैंने उस विंडो को, मुझे पता था कि क्योंकि वो थोड़ा ऑफ तो लग रहा है डेफिनेटली, बट फिर आई वॉज लाइक कि यार चलो ठीक है जितना हो गया उतना बहुत है, मतलब वो लेजीनेस में मैंने उसमें कुछ ऐड नहीं किया, वो वाली चीज़ हो गई थी। एंड बाकी जो सेकेंड रूम है बेडरूम का, वो उसमें कुछ नया मैंने इस बार ट्राई किया है, लेट्स सी, देखते हैं आप लोगों को कैसा लगेगा। और किचन में भी, किचन भी अगर हाँ पुराने किचन से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी एक्सट्रीम ही मेकओवर हुआ है किचन का भी। और जो आप लोग प्राइसिंग के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, जो वुडवर्क मैंने करवाया है इसका क्या कॉस्टिंग है, क्या प्राइसिंग है, वो सारी चीज़ें, तो जो किचन वाला मेकओवर मैं करूँगी ना, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेकओवर्स लोग ज़्यादा देखते हैं एज़ कम्पेयर टू व्लॉग्स, तो उस वीडियो में मैं एंड में सारा प्राइसिंग विथ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ आर जिनके थ्रू हमने ये काम करवाया है उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी। डेफिनेटली ही डिड अ बेस्ट जॉब, मतलब अभी तक हमने जितने लोगों से कोटेशंस लिया था उन कोटेशंस में एवरीवन चार्ज्ड अस, लाइक सबने हमको जो कोटेशंस दिया था वो 1.5 के ऊपर ही दिया था, अच्छी क्वालिटी सनमाइका एंड वोट के साथ। इन्होंने जो हमको कोटेशन दिया था वो 1 तक आ रहा था, मतलब 1 के छोटा सा नीचे था बट 1 के अंदर में ही आ रहा था, जो कि हमारे बजट के अंदर था, हमारा 1 के ऊपर तो हमको जाने का था ही नहीं, तो 1 लाख के अंदर ही आ रहा था। एंड दूसरी चीज़, ही टुक गारंटी, उसने गारंटी लिया वो भैया ने कि 15 साल 16-17 साल तक आपकी कुछ भी लकड़ी को नहीं होगा। तो और उसके बाद डेफिनेटली वो स्लो थे, मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम उनसे ये थी कि वो थोड़े से स्लो थे, मुझे जल्दी काम चाहिए था और वो बहुत आराम से रिलैक्स। तो अगर आपके पास जैसे टाइम है, अगर आप 10 दिन के काम को वो 15 दिन में करते हैं, वैसा वाला उनका हिसाब किताब है, तो अगर आपको ये सब चलता है। बट हाँ, प्राइसिंग उनकी बहुत ज़ोरदार है, काम उनका बहुत फिनिशिंग वाला था, एकदम टॉप नॉच वाला काम किया है, ऐसा काम नहीं किया कि कुछ भी कम पैसों में कुछ भी करके दे दिया, और बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ काम किया है। सो आई विल रेकमेंड दैट कारपेंटर भैया टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज वो लोग नए हैं, उन्होंने अपना नया बिजनेस ही स्टार्ट किया। मेरे घर पे भी जो मेरे मम्मी पापा वाला घर है ना, वहाँ का पूरा वुडवर्क हम लोगों ने इन्हीं से करवाया था, बहुत कम प्राइस में हुआ था लिटरली। सो आप लोग देख सकते हैं इफ यू आर लिविंग इन भोपाल, तो मैं किचन वाले मेकओवर में इनकी पूरी डिटेल्स दे दूंगी और कहाँ कहाँ हमने वुडवर्क क्या क्या करवाया है वो भी दूंगी, क्योंकि हमने काफ़ी बड़े अमाउंट में वुडवर्क करवाया है सारे जगह पे। उसके बाद एक और बात मुझे ये करनी है कि नेक्स्ट ये चीज़ है कि काफ़ी जो जैसे कुछ कमेंट्स में भी, अभी मैंने लास्ट मंथ तो आई थिंक ब्लॉगिंग करी ही नहीं है, एक या दो ब्लॉग्स डाले हैं, एंड बाकी जो मैं वीडियोस डाल रही थी वो मैं हॉल वीडियोस ज़्यादा डाल रही थी। एक्चुअली इतने हॉल वीडियोस मैं करती नहीं, मैं क्या करती हूँ बहुत सारे व्लॉग्स में इंटीग्रेट कर देती हूँ चीज़ें कि हाँ मैंने ये लिया वो लिया वो लिया, बट क्योंकि मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी, व्लॉग्स बनाने के लिए यू नीड स्टेट ऑफ माइंड, मैं ऐसे नॉर्मल टेंशन या स्ट्रेस में मुझसे ब्लॉग छोड़ो कैमरा भी नहीं, मोबाइल भी नहीं उठाया जाता है, तो ब्लॉग तो बहुत दूर की बात है, सबका अपना अपना पैटर्न होता, नहीं मेरा पैटर्न, मैं नहीं कर पाती स्ट्रेस में ये सारी चीज़ें। तो कुछ के मेरे पास ऐसे कॉमेंट्स आए हैं दैट आप व्लॉग्स क्यों नहीं कर रहे हो, आप क्रिएटिव कंटेंट नहीं डाल रहे हो, यू आर ओनली मेकिंग हॉल्स एंड हॉल्स एंड हॉल्स। आई अग्री, मे बी आप बहुत ज़्यादा हॉल्स देख करके परेशान हो गए होंगे। एक्चुअली क्या हुआ ना, ये एक साथ इसलिए आया क्योंकि एक
14 दिन तो मैंने कोई वीडियो ही नहीं डाले थे. तो जो मेरा काम डिवाइडेड होता था, जैसे 4 डेज में आपको ये वीडियो डालना जाना है, 5 डेज में आपको ये वीडियो डालना है, कुछ ब्रांड्स क्या करते हैं 50% एडवांस देते हैं, 50% वीडियो बनने के बाद मिलता है हमको. तो जो 50% मैं एडवांस ले चुकी हूँ और जो मेरे पास प्रोडक्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अभी वो तो मेरा डेट निकल गया, बट उन लोगों ने सबने ये चीज़ को समझा था कि हाँ भाई मेरे साथ वो प्रॉब्लम हुआ है. तो मैंने उनको बोला था कि मैं थोड़ा सा डिले व्लॉग्स डालूंगी. तो हुआ क्या कि मैंने सारा कॉन्टेंट ही बैक टू बैक डाल दिया. तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मैंने व्लॉग हॉल्स डाल दिए हैं. उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग, मोस्टली ऐसे ही लोग थे जो समझ रहे थे कि मैं ये क्यों बैक टू बैक डाल रही हूँ बिकॉज ऑफ ऑल द सिचुएशन गोइंग ऑन. तो उसके लिए थैंक यू सो मच. बट जिन लोगों को थोड़ा सा कंप्लेन है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, जिनको कंप्लेन भी है, ठीक है, समझ में आ रहा था कि शायद उनको नहीं पता होगा या जो भी स्टेट ऑफ माइंड में वो होंगे, बट ये उसका रीज़न था मैं क्यों इतना बैक टू बैक ये डाल रही थी. बिकॉज मेरा एक जो 20 डेज है उसमें मैंने कुछ नहीं डाला था, एंड जो एडवांस पेमेंट हो चुका है उसका तो मुझे काम करना ही पड़ेगा ना. तो ये एक मेन रीज़न था जो कि मैं कर रही थी नवंबर, हाँ अक्टूबर तक. ये सिर्फ ये जो हॉल्स वाला मैक्सिमम हॉल्स वाला सिलसिला है ये अक्टूबर तक चलेगा. उसके बाद कम हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि फेस्टिव सीजन के बाद वैसे भी इतने ब्रांड्स आते वगैरह नहीं है. एंड बिकॉज आई एम अ लाइफस्टाइल ब्लॉगर, सो मोस्टली जो मेरे पास कोलैबोरेशन आते हैं दैट इज़ फॉर दिस ओनली. एंड ऑल्सो तो यही मुझे बोलना था, एंड इसलिए मैं भी अब थोड़े मैं कोशिश कर रही हूँ रेगुलर व्लॉग्स लाने की. एंड दूसरा एक मेन रीज़न ये भी है व्लॉग्स कम डालने का, कि मैं जब तक, आपने मेरे पुराने मुंबई वाले घर में भी देखा होगा, मैं दिखाती नहीं हूँ कुछ भी पार्ट अंटिल अनलेस मेरा पूरा मेकओवर वाले घर नहीं दिखा दूँ मैं, क्योंकि अभी ऐसे डिस्क्लोज हो जाता है ना तो समझ में आ जाता है कि क्या हुआ है. तो जब तक मेरे ये सारे फटाफट टूर्स नहीं जाएंगे, तब तक वो जो नॉर्मल वाले व्लॉग्स होते हैं वो मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ बस अब जल्दी. बट अब मैं ये बैक टू बैक ये सब डालना स्टार्ट कर दूंगी. दूसरी चीज़, आई गेट लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन माई वॉचेज, जो मैं रेगुलर वॉच पहनती हूँ. तो ऑल माई वॉचेज यू नो मैं इसके अंदर स्टोर करके रखती हूँ इस बॉक्स में. तो मैं सारी वॉचेज तो नहीं ऑब्वियसली अभी शेयर करूँगी, बिकॉज कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड थोड़ी एक्सपेंसिव प्राइजेस वाली वॉचेज भी हैं. तो मैं मेरी जो टॉप 3 वॉचे हैं, मेरी टॉप फेवरेट है, जिनको मैं सबसे ज़्यादा पहनना पसंद करती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं इन वॉच के लिए. और ये वॉचेज ऑनलाइन अवेलेबल है. अभी मैं इसलिए भी शेयर कर रही हूँ बिकॉज अमेजन पे ग्रेट इंडियन सेल स्टार्ट हो गई है. 2-3 प्राइजेस की, मतलब थोड़े कम प्राइस वाली भी एंड थोड़े मिड रेंज वाली भी एंड एक्सपेंसिव वाली भी, तीनों का रेंज जो है वो शेयर कर दूंगी. तो 3 ही अभी मैं शेयर कर रही हूँ. सो दिस इज द फर्स्ट वॉच जो कि आपको मैं काफ़ी ज़्यादा रेगुलर पहने हुए दिखती होंगी. तो दिस इज़ वन ऑफ द वॉच जो कि काफ़ी ज़्यादा यू नो अफोर्डेबल रेंज में है. सो दिस इज़ अ स्मार्ट वॉच. इसके अंदर पास से आप देखेंगे, तो आप पास से देखेंगे तो बहुत ही प्यारी मेटल की गोल्ड की डिटेलिंग दी हुई है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है. मुझे हर वो चीज़ जिसके अंदर रोज गोल्ड या गोल्ड की डिटेलिंग होती है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्लासी लगती है. इस वॉच का जो ब्रांड है दैट इज़ क्रॉस बीट, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, 7 डेज एक बार चार्ज करती हूँ मैं 7 दिनों में, 7 से 8 दिन में ये आराम से चलती है, 7 से 8 दिन. वाटरप्रूफ है, हाथों में बहुत सुंदर लगती है, स्पेशली फॉर फीमेल्स, मतलब मैं अपने उसमें बता रही हूँ. Look at this. It looks so classy on your hand. सारे तरह के जो मिनिमम आपको फंक्शंस चाहिए होते हैं वो सारे फंक्शंस एक स्मार्ट वॉच में इसमें है. बहुत टेक्निकल में नहीं जा रही हूँ, आप वो अमेजन वाली लिंक पे जाकर के चेक कर लेना अगर आपके रिक्वायरमेंट पे ये फुलफिल बैठती है तो. बट हाँ, हाईली रिकमेंडेड, बिकॉज मैं इतनी बार इसको पहन करके मेरा हाथ ऐसे कहीं कहीं भिड़ चुका है, बट स्टिल इसमें कोई स्क्रैचेज नहीं आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है. वाटरप्रूफ है, पानी से मैं कितनी बार लगा चुकी हूँ, धो चुकी हूँ और क्या क्या नहीं कर चुकी हूँ, बट स्टिल इसका जो मेटल पे जो गोल्डन वाला ये लगा हुआ है ना, दिस ये इसका बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है एंड यू कैन सी इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है. तो ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट. इफ यू लुकिंग फॉर थोड़ा बजट फ्रेंडली स्मार्ट वॉच, गो फॉर दिस ऑप्शन, दिस इज अमेजिंग. नाउ कमिंग टू माय सेकंड वॉच, अगर आपको कोई ऐसी वॉच पसंद है थोड़ी एनालॉग, अगर आपको स्मार्ट वॉच की जगह एनालॉग वॉच चाहिए, थोड़ी क्लासी सी चाहिए, तो जो मेरी सेकेंड फेवरेट वॉच है वो है ये वॉच बाय फॉसिल एंड ये रोज गोल्ड कलर में है. इसका डायल बहुत सुंदर है. इसको मैं यूजुअली पहनती हूँ, जैसे जब मेरी मासी के यहाँ शादी थी तो मैंने लहंगे में, साड़ी में, इस तरह की चीजों पे मैं इसको पहनती हूँ. ये बहुत ज्यादा सुंदर है, आपको हाथ में कुछ पहनने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ इसको पहन लो एंड बहुत ज्यादा प्यारी लगती है ये. इसका जो अप्रोक्सीमेटली प्राइस था, थोड़ी एक्सपेंसिव है, आई थिंक 9000 कुछ का है, और ये अमेजन पे अभी अवेलेबल है.
तो इसका भी मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगी. ब्यूटिफुल वॉच एंड आई थिंक 2 साल इसको हो गए हैं, 2-2.5 साल इसको हो चुके हैं मेरे पास जब से ये है. नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट वॉच इज दिस फॉसिल. अगेन दिस इज अ फॉसिल वॉच एंड एग्जैक्टली ये ऐसी इस तरह के बैंड में नहीं आई थी. ये जो वॉच आई थी ये ऐसे चेन के साथ मैंने लिया था. दिस इज द चेन और ये मैंने भोपाल से ही लिया था. न्यू मार्केट में एक शॉप है टाइम स्क्वायर जहाँ पर काफी सारे वॉचेस मिलते हैं. तो अप्रॉक्सीमेटली ये मुझे पड़ा था 2022 कुछ का था. आई नो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है बट मुझे वॉचेस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ एंड शौक था. अभी कम हो गया, मैं नहीं लेती हूँ, ये सब मैं ले चुकी थी पहले ही. एंड दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल वॉच. मतलब ब्यूटिफुल इन द सेंस मीन्स मैं जब पहनती हूँ, जिस वीडियो में पहनती हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरे पास कॉमेंट्स ना आए. तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है. दिस वॉच लुक्स रियली रियली ब्यूटिफुल. आई टोल्ड यू कि जिन चीज़ों में रोज गोल्ड एंड गोल्ड डिटेलिंग होती है वो मेरी फेवरेट होती है. एंड मैंने ये जो बेल्ट है, अगेन मैंने फॉसिल से ही मंगवाया था. कमिंग टू द बैटरी बैकअप इज वेरी पुअर. मतलब ये इसका जो बैटरी बैकअप है ये विदिन वन डे, आपको हर दिन इसको चार्ज करना पड़ता है. तो रेगुलर वेयर के लिए इसलिए मुझे ये अच्छी नहीं लगती है क्योंकि हर दिन बैठ करके इसको रात में चार्ज करो फिर भी वो दिन भर चल, मतलब वो वाला इसका एक इशू लगता है. इसलिए मैं जो रेगुलर वियर है उसके लिए मैं ये वाली वॉच यूज़ करती हूँ. रफ एंड टफ है और सस्ती भी है तो कुछ हो भी जाता है तो मुझे दुख नहीं होगा. करती हूँ, मुझे कहीं अच्छी जगह जाना होता है या मैं वीडियोस बना रही होती हूँ, मैं तभी इसको यूज़ करती हूँ. दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. और इसके साथ जब भी मैं चेन के साथ यूज़ करती हूँ तो काफ़ी अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आते हैं. दिस इज़ ऑल्सो अ स्मार्ट वॉच. अभी इसमें चार्ज नहीं है, नहीं तो मैं बताती. नाउ कमिंग टू इसका जो ऐप है जिसके थ्रू मैं इसको सिंक करती हूँ, कनेक्ट करती हूँ, बहुत ही गंदा ऐप है. मतलब जिस तरह का प्राइस है इसका, उस तरीके के ऐप की फंक्शनिंग्स नहीं है इसमें, मैं ये बोलूँगी. तो हाँ, लुक्स वाइज अगर आप देखा जाए तो बहुत सुंदर है, बहुत क्लासी है, बहुत अच्छी लगती है. बट फंक्शनिंग वाइज देखा जाए तो मुझे बहुत अप टू द मार्क नहीं लगती जितना इसका प्राइस है उस हिसाब से. तो बट ठीक है, हाँ, बट आई लाइक दिस वॉच. फॉसिल की 4 सीरीज की वॉच है एंड आई थिंक ये कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया. अगर मुझे इसका लिंक मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. लेकिन बाकी ये जो 2 वॉचेज हैं इनका लिंक तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा बिकॉज ये अभी भी, ये तो सदा बाहर टाइप की वॉच होती है, ये हमेशा मिलती है. एंड ये वाली वॉच भी अमेजन से ही मैंने मंगवाई थी. तो इन दोनों के मैं लिंक्स आपको दे दूंगी. सो दैट्स इट फॉर माय वीडियो. ये वाला व्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ. आई नो थोड़े ब्रेकेजेस में था. जैसे ही मेरे सारे मेकओवर्स चले जाएंगे प्रॉपर, वो जो सिंक वाले व्लॉग होते हैं ना, जैसे मैं मुंबई में बनाती थी वैसे व्लॉग्स आपको मिलने लग जाएंगे. सो यस, दैट्स इट. और अभी एक्चुअली श्राद्ध चल रहे थे तो इसलिए भी हम लोग जो टीनू की शॉपिंग है वो हमने होल्ड कर दिया था. तो वो भी वापस से जैसे ही श्राद्ध खत्म हो जाएंगे, 9 दुर्गे स्टार्ट हो जाएंगे, अगेन स्टार्ट हो जाएगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें होने लगेंगी, तब वो व्लॉग्स में आने लगेगा. सो यस, दैट्स इट फॉर माई वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय.